अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस जगह पे आए हुए हैं और वो है हुसैनाबाद की स्ट्रीट, जिस पे हम आपको दिखाएंगे कि आइसक्रीम, रोलर आइसक्रीम जो है वो किस तरीके से बनाई जाती है और इस रोलर में जो है बर्फ़ कैसे डाली जाती है और उस बर्फ़ में जो है वो कितनी देर जो है, ये कितने घंटे जो है ये बर्फ़ जो है इसमें इस्तेमाल की जा सकती है, तो इसके बारे में हम सारी पूछेंगे। उनके पास कौन कौन से फ़्लेवर जो है अवेलेबल हैं इसके बारे में भी हम आपको बताएंगे इनसे पूछ के। तो आइए मेरे साथ और इनसे पूछते हैं कि ये किस तरीके से जो है ये इस रोलर आइसक्रीम का जो है इस्तेमाल करते हैं। ये क्या कर रहे हैं, पाउडर? अभी बर्फ़ हटा। अच्छा, ये क्या कर रहे हैं यार? सर ये मैंगो हम तैयार कर रहे हैं, मैंगो फ्लेवर है ये हमारा। अच्छा, तो इसमें एक वक्त में कितने फ्लेवर लगा सकते हैं? इसमें 6 फ्लेवर लगते हैं। छः फ्लेवर लगते हैं सर इसमें एक वक्त में, 6 फ्लेवर। तो अगर एक ही है ना फ्लेवर चाहिए हो जिसको मैंगो, तो वो मैंगो मिल जाएगा सर? मैंगो मिल जाएगा जी। मैंगो बोलेंगे, आड़ू है, पाइन एप्पल है, अंगूर है। तो टोटल आपके पास कितने फ्लेवर हैं? हमारे पास 6 फ्लेवर है, पाइन एप्पल है, आड़ू है, अंगूर है, बनाना है। अच्छा, और मैंगो है, चॉकलेट है। कितनी देर में तैयार हो जाती है ये? 5 मिनट में सर, लाइव आइसक्रीम है। 5 मिनट में? जी सर। ये प्योर फ्रूट की आइसक्रीम है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। क्या लगा रहा है? ये मैंगो का सिरप है। ये फुल मैंगो का फ्लेवर है? ये मैंगो है, ये अंगूर लगाए मैंने, ये भी बनाना चढ़ाया मैंने। अच्छा, एक साथ 6 फ्लेवर लगा देते हैं? जी सर। ये हमारा आड़ू है। आड़ू, वाह यार, क्या टेक्निक है यार, जबरदस्त। तो इस पे आपको क्वांटिटी का पता होता है कितना लगाना है? जी। और कितनी आइसक्रीम निकल आराम से हमारे 3-4 कप इसमें निकल आता है। कितना निकल आता है? 5 से 6 कप। 5 से 6 कप एक दफ़ा के उसमें? हमारा चॉकलेट फ्लेवर है। ये क्या, चॉकलेट है? जी। अच्छा, गैप गैप से लगाते हैं ये? गैप गैप से सारे फ्लेवर लगाने हैं ना सर। अब जैसे आपको मैंगो चाहिए तो हम यहाँ से मैंगो उतारेंगे, किसी को चॉकलेट चाहिए चॉकलेट उतारेंगे, अंगूर को चाहिए अंगूर, बनाना, आड़ू, जिसको जो फ्लेवर चाहिए होगा वन फ्लेवर हो जाएंगे, मिक्स फ्रूट बोलेंगे, मिक्स फ्रूट हो जाता। अच्छा, मिक्स उठाना हो तो मिक्स उतार लेंगे। तो यानी कि 6 फ्लेवर आप एक टाइम में जो है बनाते। और इसमें 6 कप बनेंगे? कम से कम ये 6 से 7 कप बनेंगे, और बाउल इसमें कम से कम 5 दोबारा लगाएंगे। फिर दोबारा लगाएंगे। ये कौन सा फ्लेवर है? ये अंगूर है सर। ये हमारा बना का एक कप होता है ये? कप सर 150 का है, बाउल जो है 200 का। 200 बाउल में कितने लोग खा सकते हैं? 2 बंदे आराम से खा लेते हैं। 2 बंदे आराम से खा। रेडी हो गई? कितनी देर में रेडी हो जाती है ये? 5 मिनट में सर रेडी हो जाती है। खाली आपके पास यही फ्लेवर होते हैं या इसके अलावा भी और होते हैं? हर सीजन के हिसाब से फ्लेवर होते हैं। अच्छा, सीजन जो सीजन वाइज? जी जी। तो ये फ्लेवर जो है आप खुद बनाते हो? जी सर। ये खुद बनाते हो आप? जी। या बने बनाए आते हैं फ्लेवर? खुद बनाते हैं। तो ये फ्रूट से बनते हैं या? फ्रूट से बनते हैं, इसमें फ्रूट है और खोया दूध, इसमें केमिकल कोई मिक्स नहीं है सर। अच्छा, केमिकल नहीं होता, फ्रूट है और खोया दूध मिक्स है इसमें। अच्छा, वाह यार, ज़बरदस्त, खुद बनाते हैं। अच्छा, मैं समझो केमिकल के लिक्विड आते हैं? नहीं नहीं, केमिकल ये आप इसको 5 मिनट भी नहीं रख सकते सर, वो प्योर है ना, ये मेल्ट हो जाएगी फौरन। अच्छा, मेल्ट हो जाएगी जी, ये प्योर फ्रूट की आइसक्रीम है ना सर। फ्रूट है और खोया दूध मिक्स है इसमें। अच्छा, वाह यार, ज़बरदस्त, खुद बनाते हैं। अच्छा, मैं समझो केमिकल के लिक्विड आते हैं? नहीं नहीं, केमिकल ये आप इसको 5 मिनट भी नहीं रख सकते सर, वो प्योर है ना, ये मेल्ट हो जाएगी फौरन। अच्छा, मेल्ट हो जाएगी जी, ये प्योर फ्रूट की आइसक्रीम है ना सर।
तो ये एक रोलर कितने घंटे चल जाता है आपका? डेढ़ घंटा। डेढ़ घंटे में बर्फ खत्म हो जाती है जी। और डेढ़ घंटे में कितने वो बन जाते हैं आप लोग कप? ये उस पर यानी कि ये कस्टमर पे बात है, जितने सेल होगी उस हिसाब से होगा। अभी ये जम गई, ये बन गई है जी सर, ये आइसक्रीम आप डालते जा रहे हैं, ये बनती जा रही है, ये बनती जा रही है। इसकी टे मोटे यूँ कर लेना सर, जैसे आपके अभी आप आए बनाना है, आपने बोला तीन गिलास बनाने, तो तीन गिलास इसमें एक साथ निकल सकते हैं। अच्छा, और ये आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। आइसक्रीम बनी है, रेडी हुई, ये रेडी है, अभी उतार के दिखा दें। तो आपकी टाइमिंग क्या है इधर? 8 बजे से रात 3-4 बजे तक। डेली? डेली का। डेरी मलिक के सामने मैदान बैंक के साथ। डिलीवरी वगैरह से होता है क्या इसमें? मेड हो जाएगी ना सर, मेड हो जाएगी ना। इस वजह से लाइव आइसक्रीम रखी है कि यहीं खड़े खड़े खाएं? बस यहीं खड़े खड़े खा लो भाई। है? एक छोटा कप दो और उसको बुला के ले आओ मुल्ला को, वो नहीं है उतार के दे देंगे ना उसको। अभी तुम्हें ही पता होगा, अब तुम लाओ। तो ये कब से कर रहे हो यार? सर हमारे को 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए। ये इंडिया का कौन सा है भाई? हमने वीडियो देखी थी। अच्छा, तो ये आपने खुद बनाया है? ये हमने खुद बनाया है, मतलब वीडियो देख के बना लिया। वीडियो देख के बना। और भी कहीं है या यहीं आप? ये अभी यहीं है सर। सिर्फ आप लोग कर रहे हो ये काम, और कोई नहीं कर रहा अभी? हुसैनाबाद पे तो खाली है काम ही है। इसके अलावा कहीं और? इसके अलावा नाजमाबाद पे एक और स्टॉल, एक दो और है ना। इसमें बिजली का खर्च क्या है यार? बिजली पे चल रहा है ना, मोटर लगी है, मतलब नॉर्मल है या हैवी उठा दी है ये? नॉर्मल है, नॉर्मल। छोटी बोतल, छोटी मोटर लगी हुई थी दादा, नहीं ना जैसे इस तरीके का ना मीटर? नहीं नहीं नहीं, ये हमारा हाथ वाला सिस्टम भी है, अब लाइट नहीं होती तो हाथ से चलाते हैं। महंगी हो गई यार। तो इसके बनाने का आपको वो क्या है, मतलब सिर्फ दिखाना या आप डीप फ्रीजर में भी बना के कर सकते हो? तो जी, इसका कोई जायका आता है क्या? जी जी सर बिल्कुल। ये भी हम मैंगो उतार रहे हैं, देखें सर, ये थोड़ा अंगूर आ गया हमारा, ये बनाना आ गया। ये हमारा आड़ू आ गया। हमारा रेडी है सर, ये 150 रुपये का, ये आपके लिए बनाया था। कब 150 वाला? ये अच्छा, ये 150 का है, ये 150 का कब है हमारे पास। और ये बाउल है, ये 200 का, ये 200 का जी। सही है, आप खाएंगे भारी नहीं पड़ेगा भाई, आप खा के देखें, प्योर फ्रूट, कोई मिलावट नहीं है ना, माशाल्लाह खाएंगे। तो हमारा काम मैकेनिक का है। अच्छा, मैकेनिक का है, कभी आपने ये बना भी लिया मैकेनिक? ये बना भी लिया, और मेरा एक और जो बड़ा भाई है जिसका स्टॉल है आमिल लाइफ आइसक्रीम का, वो प्लम्बर है। अच्छा, तो दोनों का दिमाग मिल गया। ये भाई ने बनाया, भाई ने बना के आपको दिया है? जी जी जी। वाह यार, तो ये मैकेनिक का काम अच्छा था, ये मज़ेदार है, दोनों इस बेस्ट है, मतलब काम सही है, यानी कि सही है, सेल है यहाँ पे। हाँ अल्लाह। कितने रोलर ख़त्म हो जाते हैं? हम दिन में 3 रोलर लगाते हैं हम लोग, और जुम्मा हफ्ता इतवार 5-6 रोलर लगा लेते हैं। ज़बरदस्त यार, अल्लाह ताला और मदद कर दे आपको। कॉन्टेक्ट नंबर है मेरा 0311-8401-586, आमिर लाइफ आइसक्रीम के नाम से है ये, इवेंट वगैरह में कभी हो प्रोग्राम तो हम लगाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, क्या नाम बताया आपने?
आमिर। साथ ही जो है मुझे रोलर आइसक्रीम से जो है इजाज़त दीजिए हुसैनाबाद से। मैंने आज आपको दिखाया है कि इनके पास जो है रोलर आइसक्रीम का इस्तेमाल किस तरीके से ये लोग करते हैं और इनके पास कौन कौन से फ्लेवर हैं, इनकी टाइमिंग क्या है। हुसैनाबाद स्ट्रीट पे जो है इनका ये कार्ड लगा हुआ है और किस तरीके से जो है ये इस आइसक्रीम को बनाते हैं और बहुत ही मज़ेदार बेहतरीन किस्म की जो है आइसक्रीम है, टेस्ट बेहतरीन। तो इसके साथ ही जो है मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।